आज हमारा ये प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जैसे कि टॉपिक से रिलेटेड जो भी लॉज और राइट्स रहते हैं वुमेन के लिए या कॉमन पीपल के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटी सी वर्कशॉप या एक छोटा सा सेमिनार करेंगे हम। और आज सभी का स्वागत है, ना कि सिर्फ महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए भी, तो आई वेलकम एवरीवन। सो आज स्पेशल वेलकम मैं करती हूँ कि वेस्टर्न फाउंडेशन की फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी एंड वुमेन सेक्रेटरी ऑफ नेशनल एसोसिएशन मिसेज प्रीति सोनी जी, मैं उनका बच्चे से स्वागत करूंगी हिमांशी के द्वारा। सो प्लीज क्या इसी के साथ साथ हम मिसेज रीना जैन जी का भी स्वागत करेंगे जो वुमेन्स कमेटी से है और नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ वुमेन सेक्शन से। उनका बच्चे से स्वागत करेंगे सिमरन के द्वारा। मिस टीना जी का मैं बस टीना जी को बुलाना चाहूंगी जो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ। मैं मिसेज लता सामंत जी को भी इनवाइट करना चाहूंगी जो नेशनल करियर सर्विस सेंटर ऑफ डिसेबिलिटी एबल में साइकोलॉजिस्ट हैं और जो जिन्होंने हमारा काफी सहयोग किया है इस वेन्यू के लिए और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और साथ ही साथ मैं मिसेज गीता अनसीजा जी को भी बुलाना चाहूंगी जो वुमेन्स कमेटी से है नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेयर के। साथ ही साथ मैं लास्ट हमारे गेस्ट को इन्वाइट करना चाहूंगी जो मिस्टर मनोज कालवाडे सर है, रिहैबिलिटेशन ऑफिसर ऑफ नेशनल करियर सर्विस सेक्टर ऑफ वेटरन की एबल से। बहुत सालों से काम करता आ रहा है जिसको 12 साल हो गए हैं काम करते हुए। आज हमारे जितने भी चीजें जो जहां पर हमें अंधेरा मिला है हम आगे की राह पर बिल्कुल उजाला देते हुए आज लाइटिंग ऑफ द लैंप के साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे।
हर इवेंट में इसलिए जरूर रहता है क्योंकि ये हमारे हर इवेंट के लिए प्रकाश एक सिग्नल है। और आज मैं तेजी से मैं इनको बुलाना चाहूंगी इस इवेंट को स्टार्ट करने के लिए, तो मैं कुछ बोलना चाहेंगे। मैंने ये इवेंट इसलिए ऑर्गेनाइज किया है, वैसे तो मैं ये इवेंट सिर्फ भोपाल में इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ, कुछ कुछ लोगों ने इंदौर में डिमांड की कि सर मैम प्लीज आप वहाँ जो ये ऑर्गेनाइज कीजिएगा, तो हमने वहाँ पर भी एक डोनेशन इवेंट किया था कि जहाँ पे हमें स्विंग मशीन जो होती है सिलाई मशीन, और जो महिलाएं जो बिजनेस अपना डेवलप करना चाहती है वहाँ पे हमने डोनेशन किया था। अब जैसे कि कुछ कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं है, फर्स्ट टाइम हमने यहाँ दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया है कि कुछ कुछ लोगों की डिमांड रहती है, बट थैंक यू सो मच कि आप इतनी भी कड़ी धूप में दिल्ली जैसे शहर में यहाँ पे इतने सारे कैपेसिटी में इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, बट दिल्ली की एटमोसफेयर के बारे में मुझे नहीं पता है, ये जगह मेरे लिए भी बहुत नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे आए आप लोग। तो देश की वुमेन कमेटी जो मेंबर है हमारी दिस इज रीना जैन जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। Thank you all for coming, all my sisters and brothers. Our Jitakti Foundation or National Association of the Deaf partner कर रहा है ये event. जितने भी discrimination, domination या violence या property या laws से related जितने भी चीजें हैं आज हम ये सारी चीजें सीखेंगे और सिखाएंगे, और आपकी आगे जाके आपकी लाइफ में आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं या आपकी आइडेंटिटी किसे रिगार्डिंग, तो आपको नहीं पता होता है कभी कभार कि अरे एक लॉ बी क्यों यूज किया जाता है, या आप कभी इस चीजों के शिकार हो जाते हैं, पर अगर सही रास्ता नहीं मिलता है चीजों से निकलने का, तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच। कमेटी में मिसेस गीता हसीजा जी हैं। थैंक यू सो मच डेफ के फाउंडेशन ने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ के साथ ये पार्टनर है इवेंट, प्लस यहाँ पे जितने भी इम्पावर कर रहे हैं वुमेन को, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग। नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ की एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है मिस टीना जी, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगी। मेरा नाम टीना है, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग डेफ के फाउंडेशन, और मैं चाहती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में आप बहुत कुछ सीख के जाए, एंड थैंक यू सो मच। साथ ही साथ आज मैं मिसेज लता जी को इनवाइट करना चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि वो कुछ शब्द बोले आपको इस ऑडिटोरियम में। जो डेफ कैन फाउंडेशन की ओर से जो प्रोग्राम है उस सभी में मैं आपका स्वागत करती हूँ, और मैं प्रीति जी का धन्यवाद देती हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी लोगों का नेशनल करियर सर्विस सेंटर के इस ऑडिटोरियम में स्वागत करती हूँ। आज आप कहीं से भी आए हो, भारत के किसी भी कोने से आए हो, दिल्ली के इस ऑडिटोरियम में आप सभी का स्वागत है। हमारा सेंटर भी दिव्यांगजनों के लिए काम करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। तो प्रीति जी ने जब हमें अप्रोच किया था कि वो इस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पे करना चाहती हैं, तो हमने बोला था बहुत ज्यादा सुविधाओं से युक्त तो ऑडिटोरियम नहीं है, एसी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को हो, पर उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे कोशिश की है कि आपको सारी फैसिलिटीज मिली। तो एक बार जोरदार तालियां प्रीति मैम के लिए कि उन्होंने बहुत आप लोगों को इतना सारा सपोर्ट करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। जो भी उन्होंने यहाँ पे गेस्ट बुलाए हैं उनका जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं मिस्टर मनोज सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि आप इन लोगों को आज की इवेंट के बारे में थोड़ा बहुत बोले। और हमें अच्छा मौका डीजीएफ ने दिया हुआ है ताकि आप सभी से डीसीएफ ने यह मौका हमें दिया इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने का।
आप सभी का इस केंद्र में स्वागत है और यह केंद्र भी विकलांगों के लिए ही, दिव्यांगजनों के लिए ही प्रशिक्षण वगैरह का कार्यक्रम करता है। आपको अगर किसी तरह के भी किस जानकारी की आवश्यकता हो तो आप इस केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि डीसीएफ की ओर से आपको जो यह अपॉर्चुनिटी मिली है उसका आप सभी फायदा उठाएंगे और अपनी समस्याओं को निवारण में सफल होंगे। धन्यवाद। मैं इतनी सारी आज गेस्ट है जो हमारी महिलाएं हैं उन लोगों का स्वागत करना चाहूंगी और सबसे बहुत प्राउड है मुझे कि आज ये इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वुमेन्स एम्पावरमेंट फॉर द गेस्ट प्रोग्राम पे। तो आज 10 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ही हो गया है, थोड़ा सा शेड्यूल चेंज। और आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। और ठीक है, तो प्रीति जी कहिए कि यहाँ पे एक आज ट्रांसजेंडर आने वाली है, वो आपको बताएगी ट्रांसजेंडर के बारे में और क्या ट्रांसजेंडर के बारे में अभी ये बता रहे कि ट्रांसजेंडर भी आने वाला थी, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उनकी फ्रेंड थी वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको किसी ने चाकू से मार दिया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आज के शेड्यूल में आज क्या क्या होने वाला है। अभी ये प्रोग्राम 11:30 पे स्टार्ट हो रहा है, तो अभी ट्रांसजेंडर आके जो अपने बारे में बताने वाली थी, आप लोगों को सही से देख पा रहे हैं ये फाइनल मेरा लोकेशन रहेगा, आप तो दिख रहा है। ओके, थैंक यू सो मच हिमांशी। ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या मतलब होता है ट्रांसजेंडर का, क्या मतलब होता है कि ना, तो वो आपको बताने वाली है। एक ट्रांसजेंडर अभी एक आएंगी, वो बताएंगी, वो उनकी टाइमिंग क्या थी, 11:30 to 1 की थी, लेकिन कुछ उनका टाइम पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि वो अभी एक इमरजेंसी में फंसी है, इसलिए उनको हम बुलाएंगे 1 बजे के आसपास। और आप जो जानते हैं कि अशर का मतलब क्या होता है, अभी हम एक अशर को यहाँ पे बुलाने वाले हैं। अशर का मतलब होता है जिनको मतलब साइड पर साइड पे जैसे कि नहीं दिखता, अशर को आप सोचते हैं कि अशर मतलब क्या होता है, कोई बोलता है कि मैं अशर हूँ, आप लोग सोचते हैं अशर इसका मतलब क्या होता है अशर। ओके, अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अशर का मतलब क्या होता है, अशर कैसे होते हैं। तो अभी हम एक डेफ पर्सन को बुलाने वाले हैं थोड़ी देर में, और उसके बाद 2 से लेकर 2:30 बजे तक एक मतलब प्रेजेंटेशन रहेगी YWCA से यूथ वुमेन। ओके, और मैं आप लोगों को इसके बारे में भी अवेयर करवाऊंगी। और 3:30 बजे के आसपास एक सिविल एडवोकेट आएंगे जो आपको एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजें, और उसके बाद 4:45 के आसपास मोहिनी जी मतलब अपना प्रेजेंटेशन रखने वाली थी, लेकिन अभी हम टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो अभी अशर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और जो आप समझ रहे हैं अभी हमने शेड्यूल में थोड़ा सा टाइमिंग चेंज किए हैं, और आप समझ बता पा रहे हैं ये भी हमने थोड़े से चेंजेस करे हैं। अभी कल की जो टाइमिंग है, कल का मैं आपको बताना चाहूंगी, कल आप सुबह 10 बजे तक यहाँ पे आ जाइएगा, प्लीज 10 बजे से लेट नहीं कीजिएगा। ये 10 to 10:30 के बाद 10 to 10:30 तक आपको वुमेन से रिलेटेड आपको मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में समझाया जाएगा, और साथ ही 1 बजे यहाँ पे एक एडवोकेट आएंगे जैसे कि जो पूरा आपको क्रिमिनल केसेस के बारे में बताएंगे। काफी लोग जानते हैं कि जो रिलेशनशिप में भी रहते हैं उसके बाद क्या है कि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, और आप जानते हैं कि आप एक अमाउंट किसी के पास इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद भी आपके साथ काफी बार फ्रॉड हो जाता होगा, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको अवेयर करवाया जाएगा कि आप इन चीजों से कैसे बचाव कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे अभी जो प्रेजेंटेशन होगी, आपके जो भी डाउट है आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स है आप उनसे पूछ के क्लियर कीजिए। ओके, और मैं बताना चाहूंगी कि 1 से 2 बजे के बीच में हमारा लंच ब्रेक रहेगा, और 2 से 3 बजे तक एक यहाँ पे एक एडवोकेट है वो आपको प्रॉपर्टी के बारे में अवेयर करवाएंगे पूरा,
और जैसे कि आप जानते हैं कि हाँ, जैसे कि काफी बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि जो खानदानी प्रॉपर्टी है उसमें मतलब लड़कों का हक है, काफी बार लड़कियों को उनके ऊपर समानता का अधिकार नहीं मिलता इस स्कीम में, तो इस बारे में आपको अवेयर करवाया जाएगा कि हाँ आपके इस बारे में क्या क्या राइट है, आप इसके बारे में जान सकते हैं और आपको पता चलना चाहिए कि हाँ मतलब महिलाओं का भी सेम अधिकार है उनकी खानदानी प्रॉपर्टी वगैरह पे, तो ये आपको अवेयर करवाया जाएगा। और आप जानते हैं कि हम अपनी मतलब कई सारी जमीन है जो सस्ते में जाती है महंगे करते, तो वो उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, अगर वो अपनी प्रेजेंटेशन रखेंगे उस टाइम पे आप अपने जो आपके जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दो स्पेशल डेज है आपके पास, तो आप अपने बारे में उनसे पूछ सकते हैं आपके जो भी क्वेश्चन है जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर यहाँ पे कोई इंटरप्रेटर खड़ा है, अगर आपको इंटरप्रेटर का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कहते साइन करें, तो आपके खुद के राइट है आप उससे पूछ सकते हैं, प्लीज एक बार ये दोबारा से साइन कीजिए मेरे को समझ में नहीं आया, अगर हम बाद में कंप्लेन कर रहे हैं साइन समझ में नहीं आया, इसको आपको कोशिश करने से कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली उन्हें बोले कि प्लीज आप मेरे को प्लीज आप उन्हें फीडबैक दीजिए और बताइए आप अच्छे से थोड़ा साइन दीजिए, अगर आप बाद में जाके कोशिश करेंगे इसका बेनिफिट आपको मिलेगा लेकिन आप चल जाएंगे आप अच्छी सी चीज नहीं सीख पाएंगे, तो इसलिए आपको जब भी लगे कि हाँ मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मैं अच्छे से नहीं समझ पा रही, तो आप उन्हें फीडबैक दीजिए प्लीज ना समझ नहीं पाई आप अगर दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे तो आप उन्हें हाथों हाथ फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि एवरीवन इज नॉट अ परफेक्ट, आप जानते हैं कि सभी लोग मतलब एकदम मतलब परफेक्ट हर प्रोग्राम में थोड़ी चीज छूट हो जाती है थोड़ी थोड़ी चीजें छूट जाती है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो भी डाउट होगा आप उन्हें जरूर भूलिएगा। और 3 से 3:45 तक हाँ मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा, तो प्रीति जी कह रही थी मैं तुम बताऊंगी कि हाँ मैंने मतलब क्या क्या एक्सपीरियंस किया है अब तक अपने करियर में, तो मैं आपको पूरी चीजें उसमें बताऊंगी, और 4 to 5 आपको फिर यहाँ पे गिफ्ट प्रोवाइड होंगे, तो ये हमारा टाइमिंग रहेगा शेड्यूल, आपका ध्यान रखिएगा ये हमारा टाइमिंग रहेगा। अभी मैं मोहिनी जी को बुलाना चाहूंगी स्टेज पे, अशर के टॉपिक के बारे में वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करें, थैंक यू प्लस अशर मैं बोर्ड हूँ आपको बोलना है, ओके थैंक यू मेरे को बुलाने, ओके अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ऊपर जाओ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है डेफ ब्लाइंड, ओके यहाँ पे क्या है आप देख पा रहे हैं डेफ ब्लाइंड, डेफ ब्लाइंड जो पर्सन है जैसे कि मैं डेफ प्लस पर्सन हूँ साथ ही में मैं क्या हूँ एक मैं ब्लाइंड पर्सन भी हूँ, मतलब मैं हाँ तो मैं दोनों चीजों इसके अंदर भी दो चीजें होती है डेफ ब्लाइंड के अंदर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो चीजें बताइए डेफ ब्लाइंड के अंदर, ओके तो फर्स्ट में है डेफ अशर एंड सेकंड है डेफ ब्लाइंड, ओके जैसे कि मैं एक बधिर हूं और साथ में मैं एक ब्लाइंड भी हूं, और आप आगे देख पा रहे हैं उसमें दो चीजें हैं एक डेफ अशर है और एक डेफ ब्लाइंड है, ऐसे ऑल ओवर इंडिया में कई सारे प्लेसेस पे कई सारी जगहों पे ऐसे लोग हैं जो मतलब डेफ अशर है, ऐसा नहीं कि मतलब एक आदमी के ये कई सारे प्लेसेस पे है ये, ओके मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहूंगी, ओके स्क्रीन थोड़ा सा आगे भी छोड़ा है एक मिनट आप दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अशर का मतलब क्या है, इसमें दो तरह के अशर होते हैं, जैसे कि एक मैं डेफ पर्सन हूँ अगर मैं और मेरे को कम सुनाई दे रहा है, ओके मैं आपको बता दूं कि आप देख पा रहे हैं यूएस यहाँ पे टेंड्रोन है, आप देख पा रहे हैं अशर टेंड्रोन, इसमें क्या है कि जैसे कि कुछ डेफ लोग हैं जिनकी लो विजिबिलिटी जो कम से कम देख पा रहे हैं और जिनको सुनाई भी कम दे रहा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अशर भी है जैसे कि, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं जैसे कि एक डेफ पर्सन हूँ और मैं एक अशर हूँ, मेरे को साइट का दिखाई नहीं देता, मेरे को नीट नहीं होता, तो मैं जो मेरा एक दायरा है मैं उसी में देख सकती हूँ उसके बाहर नहीं देख सकती, ओके तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे डेफ अशर का इसका साइन ऐसे होता है डेफ अशर का, अशर का साइन ये है, ओके तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अशर जैसे कि आपको बता दी अशर है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें रेडी पिगमेंटोसा है, ये जब जो इसका मीनिंग क्या है इसको बताना चाहिए, इसमें दो तरह की चीजें रहती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पूरा मेरा आई का रेटिना है, पूरा आई होल है ये मेरा पूरा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल विजिबल है, बिल्कुल आप देख रहे हैं क्लियर है ये, ठीक है ये बिल्कुल भी मतलब डार्कनेस नहीं है, बिल्कुल भी मतलब खराब नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ये,
आप देख पा रहे हैं कि जो रेटिना जो पिगमेंट होता है इस साइड को आप देखेंगे तो उसने क्या कि वो पूरा क्लियर है लेकिन उसमें ब्लैक कलर के थोड़े से धब्बे से पड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेटिनिटिस पिगमेंटोसा। और अभी जब रेटिना पे डार्कनेस होती है तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैंने बताया कि रेटिनिटिस पिगमेंटोसा मेरे को है, और साथ ही मैं देख पा रही हूँ कि देखो पीछे से जो आई बोल है मेरा भी ऐसा है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक बार प्रीति जी को मिलते स्टेज पे बुलाऊंगी। ओके, मेरे को तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, मैं सब कुछ देख पा रही हूँ, सब कुछ ठीक है। ओके, मेरे को जैसे कि देख पा रही हूँ, मेरे को सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर हम नॉर्मल विजन की बात करें तो ये नॉर्मल जैसा आप बच्चों में देख सकते हैं, नॉर्मल विजन अगर पूरा क्लियर दिखता है, अगर राइट लेफ्ट नॉर्थ साउथ पूरा क्लियर दिखता है, बट जब हमें ये सर्जन होता है तो हम एक दायरे में सिर्फ देख सकते हैं, एक सर्कल में हमारा विजन रहता है कि हमें सिर्फ इतना ही दिखता है, उसके आसपास हमें ब्लैक दिखता है पूरा। साथ ही साथ हम और भी कुछ देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जिसकी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें आई प्रॉब्लम नहीं होती, जिन्हें अशर नहीं होता है, उन्होंने पूरा क्लियर विजन होता है, एक पिक्टोरियल फॉर्म के साथ ये देख सकते हैं, वैसे ही इन्हें पूरा क्लियर विजन होता है। और मतलब उनका एक कोई दायरा फिक्स नहीं रहता है, कोई ऐसा एरिया नहीं रहता बाकी, और जिन लोगों को ये सिंड्रोम रहता है, अशर जिनको रहता है, रेटिनल प्रॉब्लम रहता है जिनको, वो लोग इतना प्रॉपर नहीं देख पाते, कुछ कुछ लोग कुछ कम देखते हैं, उससे जैसे कि तीन सर्कल होते हैं तो इतना एरिया उनका फिक्स रहता है कि इतने एरिया में वो देख सकते हैं, या तो अशर होता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन्हें अशर होता है, जिन्हें आसपास थोड़ा ज्यादा दिखता है लेकिन ब्लैक बैकग्राउंड रहता है या पूरा हाफ एरिया ब्लैक रहता है, अलग अलग चीजें रहती हैं। या और कुछ दिखाऊंगी, जैसे कि मैं अशर हूँ, ओके मैं अशर मुझे है, अब ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पिक्चर है इसमें एक स्क्वायर का फोटो है, अब जिसकी मैं रीना जी को सामने देख सकती हूँ, मुझे ब्लैक पूरा डिफरेंस की सर्कल मेरा दायरा है। अब फॉर एग्जाम्पल सेकेंड जो फोटो है, मुझे आसपास का अंदर शेडी शेडी ब्लैक दिख रहा है, बाकी मेरी पूरा वर्जन क्लियर है, बाकी मुझे शेडी शेडी दिख रहा है। और तीसरी चीज ये हो सकती है अशर में कि मुझे दिखता रहा है लेकिन मुझे सिर्फ हाफ दिख रहा है, मुझे आधा ब्लैक दिख रहा है और आधा मुझे मतलब विजन मेरा क्लियर है, तो ऐसा भी होता है। और फोर्थ पिक्चर में ये है कि मुझे पूरा पिक्चर क्लियर दिख रहा है, एक स्पॉट है ब्लैक, वो मुझे ब्लैक स्पॉट दिख रहा है। ये अलग अलग अशर के पिक्टोरियल फॉर्म्स और विजन होते हैं। जैसे कि मेरा नॉर्मल विजन है, तो नॉर्मल विजन में मुझे मैं साइन कर सकती हूँ, सबसे बात कर सकती हूँ, मेरा विजन पूरा क्लियर है, अप डाउन राइट लेफ्ट का। और जैसे कि मुझे रात में भी क्लियर दिख रहा है, मतलब मुझे अशर नहीं है कि मुझे रात में भी बिल्कुल क्लियर दिखता है, तो ये पिक्चर्स हैं जो जिनको अशर नहीं होता है, जिनकी नॉर्मल विजन होती है। अब साथ ही साथ साइड में देखा जाए तो जिनको अशर होता है उनकी ये जो तीन पिक्चर्स है उनका एक सर्कल में प्रॉपर उनका फिक्स रहता है कि उनकी पिक्चर ठीक रहती है, और आपका उनका पूरा ब्लैक विजन रहता है। और मतलब ये सब नेचुरल जिनको अशर रहता है, ये सिंड्रोम होना मतलब तय है उनका। और बहुत सारी चीजें जो बहुत ब्राइट अगर विजन है तो उनकी आंखें मतलब मैच नहीं कर पाती उस चीज में कि उनको बहुत ब्राइट दिखता है, और साथ ही साथ उनको रात का विजन क्लियर नहीं होता। आई होप सभी को क्लियर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि मुझे अशर है और ये नॉर्मल विजन पर्सन है, ये मुझे साइन करके बता रही है कि अरे अरे रुक ना, मतलब ये मेरा कंट्रोल कर रही है साइन में, मतलब एक तरीके से मुझे टैक्टाइल साइन लैंग्वेज में कंट्रोल कर रही है, तो ये मुझे साइन कर रही है मेरा हाथ पकड़ के, तो ये अगर मुझे अशर है तो क्या टैक्टाइल
भी साइन लैंग्वेज करना जरूरी है कि आप कोई मतलब ऐसा कंट्रोल करें मेरे साइन को, तो ये चीज गलत है। सही चीज क्या है कि अगर मैं साइन कर रही हूँ कि अरे मतलब अगर मुझे अच्छा है या मुझे नहीं इतना विजिबल है दूर का, तो मतलब अगर एक डेफ या डेफ इंटरप्रेटर जो भी है वो साइन कर रहा है तो मैं उसका हाथ पकड़ू ना कि वो मुझे कंट्रोल करे या वो मेरे साइन ना करे। तो मतलब अगर मैं साइन कर रही हूँ तो मतलब अगर सामने वाला डेफ इंटरप्रेटर साइन कर रहा है तो मुझे वो समझ में आता है कि क्या क्या साइन करेगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। सेकेंडली अगर हम बात करें एक्सपीरियंस डेफ अशर्स इमोशन बिटवीन कम्फर्ट एंड डिस्कम्फर्ट, तो जैसे कि मुझे अशर है ओके, मुझे आसपास का ब्लैक पोजिशन में दिखता है और अगर वो साइन कर रही है कि अरे ये ऐसी गाड़ी गई, अरे ये एकदम एक्सीडेंट कर गया, बहुत अच्छा हाथ मेरे चल के आ रहा है साइन, तो मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही बिकॉज ये मेरे विजन के आउटर स्पेस में साइन कर रही है, तो ये चीज गलत है बिकॉज मेरे कम्फर्ट जो, और अगर ये इतने में साइन करे कि अरे मैंने मूवी में देखा है अरे ऐसी गाड़ी जा रही थी, तो ये स्टोरी बहुत अच्छी थी। अब ये जैसे कि मेरे डायरे मेरे विजन के बुक कम्फर्ट जोन पर साइन करे तो मुझे ये चीज कम्फर्टेबल है बहुत ज्यादा कि बिकॉज मैं आसपास में नहीं देख सकती राइट लेफ्ट अप डाउन में मेरा विजन क्लियर नहीं है, तो मेरा जितना डायरा है अगर चीज साइन कम्फर्टेबली जो उसको आता है उनको एकदम कैच कर पा रही है तो उसका साइन दिख रहा है। आई होप सबको अंडरस्टैंड है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे कि मैं अभी अपने एक स्टेशन पे वॉक कर रही हूँ और मेरे को साइड में से देखिए बुला रहे हैं, मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, वीडियो में बात कर रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ, साइड से बुला रहे हैं, देखो 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 जैसे आप ऐसे कॉलिंग कर रहे हैं या फिर आप टप 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 करके कोशिश कर रहे हैं और मैं एक बंदा ऐसे देख रही हूँ, तो ये चीज सही नहीं है। आप ये एक तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आप किसी को, ऐसा उन्हें फील होता है अशर जैसे कि आप किसी को बेंच प्रेस करके फट ठक 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 करके बुला रहे हैं और साथ ही मतलब आप मतलब उनको डिसरिस्पेक्ट करें, तो राइट तरीका क्या है? आप देखिए मैं आपको राइट तरीका बता रही हूँ, मैं अपने स्टेशन पर वर्क कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ एक्सक्यूज मी, जैसे कि उन्होंने मेरे पास आए उन्होंने बताया कि आज मेरे को थोड़ा सा अर्जेंट काम है, आप वहाँ पे आ सकते हो, आपने देखा उन्होंने मेरे को कैसे मेरे पास आके कॉल किया और फिर उसके बाद उन्होंने बताया। अशर को आप कैसे बता सकते हैं? जैसे कि उन्होंने धीरे से आपने बात रखा और उन्होंने जैसे मेरे को देखा, क्योंकि एक अशर क्या ना कि जब आप उनको मतलब वेव कर देंगे उसके बाद आप हाथ हटा देंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि आप मतलब आगे उन्होंने वेव किया, क्योंकि आज तक फोन भी लोग होंगे तो वो अपनी नजर इधर उधर घुमा देंगे, तो अशर लोगों को आप कैसे बता सकते हैं? आप धीरे से उनको होल्ड करके मैं हूँ और मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो इजीली आप ऐसे मतलब अशर लोगों से बात कर सकते हैं और डेफ लोगों को ऐसे आप कम्फर्ट फील करा सकते हैं डेफ अशर में। समटाइम्स क्या होता है वो बहुत ज्यादा अंदर से पीड़ित रहते हैं, अंदर से वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं। ओके, मैं एक और आपको मतलब सनसेट से रिलेटेड मैं आपको एक बताना चाहूंगी। अब देखिए इसी पीछे जैसे समझ लीजिए पीछे सन है और मैं एक डेफ अशर हूँ और मेरे सामने ये पीछे साइन मिल रहा है, समझ मेरे क्या हो गया, मेरे को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि पीछे से ब्राइटनेस पड़ रही है, एक डेफ पर्सन है तो मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया, इनको हम कम्फर्टेबल कैसे फील करा सकते हैं, इनको अच्छा फील कैसे करा सकते हैं? जैसे कि देखिए अब मैं बिल्कुल पीछे से मेरा प्लेन एरिया है, मैंने बताया कि आज हमारा प्रोग्राम इस टाइम पे है, आप प्लीज इस टाइम पे आइएगा, हमारा मैच इस टाइम पे, तो आपने देखा मेरे को बिल्कुल क्लियर दिखा और मैंने उनकी बात समझा, तो आप एक डेफ पर्सन को ऐसे मतलब कम्फर्ट फील करा सकते हो, मतलब ऐसे आप हमें जैसे वो पीड़ित है तो उनसे ऐसे उन्हें रिलीफ दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। उसके बाद मुझे समझ में आएगा राइट, तो इसीलिए
कॉशर को एक एक करके साइनिंग कर रहे हैं तो मैं क्लियरली उन्हें देख पा रही हूँ। कभी कभार क्या होते हैं कि अगर दोनों तरफ साइनिंग चल रही हो तो मेरी जो देखने की टाइम है और मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगेगी। अगर जैसे कि कोई पर्सन है जिसको अशर है और हमें नहीं पता है कि उसको अशर है तो हमें ऐसी ही बात करना शुरू नहीं कर देना चाहिए। तो ये चीज गलत है कि हमें पहले जानकारी लेनी चाहिए कि उसको अशर है या उनको देखने में दिक्कत होती है या उनको कम्फर्ट जोन कितना और कितने लेवल तक वो देख सकते हैं और उसके बाद अगर हम बातचीत करते हैं तो हमें बिना जानकारी के ऐसे ही गॉसिप नहीं करनी चाहिए जिनकी जानकारी जिनके बारे में हमें नहीं पता है। तो बेटर है कि हम ना ही किसी के बारे में बात करें। दूसरी चीज हमें नहीं करनी चाहिए, डोंट से पे अटेंशन व्हेन आई वर्क माय हार्ट फॉर यू। अगर मैं साइड कर रही हूँ अरे अरे रुकना मुझे देख, मैं देख रही हूँ ना, मैं साइड कर रही हूँ, तुम तो देख रही, देख ना जरा, तो ये जो होता है ना कि अरे जस्ट पे अटेंशन ऑन मी, मुझे देखो ना, अरे यार मुझे देख के बात करो ना, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरा जो आई मोमेंट है वो बहुत नेचुरल है, मैं इधर उधर देख के बात कर सकती हूँ। तो हमें किसी को फोर्स नहीं करना है, बार बार किसी को फोर्स नहीं करना है कि अरे तुम इधर को देखो, तुम इधर को देखो, जस्ट पे अटेंशन ऑन मी, हमें उनको बार बार फोर्स नहीं करना है। और किसी भी अशर को हमें नहीं बोलना है क्योंकि जितना स्लो मोशन होता है उनको देखने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो प्लीज डोंट डू दिस। अब तीसरी चीज की बात करें कि डूइंग थिंग्स बी हार्ड बट लाइफ इज नॉट इजी। अगर मेरा जैसे कि कॉर्नर विजन वाला पर्सन है और दूसरी चीज जो दूसरा आशय वाला पर्सन, तो कभी कभार आपको इलाबरेट करते हैं कि अरे तुम्हें बात में जाकर बहुत दिक्कत होने वाली है, तुम्हें लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस तुम फेस करोगे और देखना तुम्हें बहुत सारे गाइडेंस और बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत है, तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव चीजें बोलते हैं सामने वाले को। तो अशर जो जिस इंसान को अशर होता है वो बहुत सारा डाउटफुल होता है और बट ओवर थिंक करने लगता है लेकिन जिनका वो अपने बारे में। तो कभी भी कोई अशर पर्सन के साथ आपका अशर वाले इंसान के साथ मिलते हैं तो कभी आप उनको ऐसी चीजें ना बोले, बेटर यही है कि आप उनको लाइफ में जितना मोटिवेशन दे सकते हैं, जितना भी मोटिवेट कर सकते हैं उतना दीजिए। बिकॉज कभी कभार ऐसा भी होता है कि चीजें कब किसी को क्या वर्क कर जाए तो वो हमें पता नहीं चलता है। तो प्लीज वो बोल दो। और लास्ट में अगर हम वो बात करते हैं तो थ्रो थिंग्स आने पर्सन हु कांट सी यू। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और मैं किसी को टैप करके बुला रही हूँ तो हमें मतलब ऐसे चीजें मार के नहीं मतलब बुलाना चाहिए। तो ये मतलब आपको एक चीज कोई चौंक करके मार रहे हैं या मतलब आपको बुलाने में उधर से जान के आलस आ रहा है तो डोंट डू दिस। बिकॉज मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि कोई कोई लोग फेंक के चीजें मारते हैं। अगर आप फेंक के मारने की जगह आप मुझे सीधे कदम पर एक टैप कर सकते हैं बिकॉज ये चीजें भी काफी इरिटेशन देखिए बिकॉज आप डोंट थ्रो थिंग्स ऑन अ पर्सन हु कांट सी यू। ओके थोड़ा सा आप पीछे की तरफ जाइए। ओके परफेक्ट। ओके अब हमने पहले आपको डोंट्स के बारे में बताया था राइट, अब हम आपको बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अब हम डोंट्स के बारे में आपको बताएंगे कि डस जो हमें करना चाहिए। ओके जैसे कि मैं एक अशर हूँ, मेरे का अशर भी है और मैं भोपाल की रहने वाली हूँ, मैं एक डस पर्सन भी हूँ, साथ में मैं एक अशर भी हूँ। और आप मेरे को देखिए जैसे कि मतलब कहना कि एक अशर हूँ बताया और कुछ जैसे एक्सपर्ट लोग हम एक्सपर्ट के पास उनसे बात करें, हम अशर के पास हम फोकस नहीं करते, एक अशर छोड़ो। तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अशर को भी समानता का अधिकार देना चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए अच्छा आप अपने बारे में बताइए, अच्छा आप एक डेथ पर्सन हो, ओके ओके आप अशर की हो, अच्छा हमें ऐसे उनको पॉजिटिव माइंड देनी चाहिए। और साथ में एक अशर है आप उनको साथ में मतलब एक रिस्पेक्ट दीजिए, लाइक रिस्पेक्ट वो चाहते कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी भी डिसेबिलिटी कोई भी मतलब पर्सन जो भी पीड़ित है आप उनको आगे से मानते हैं कि किस तरह की डिसेबिलिटी है तो आप उन सबको समानता का अधिकार दीजिए बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक हम ये नहीं बोलते, हम चाहते हैं कि मतलब सबको बराबरी का हक होना चाहिए और सबको मतलब समानता मिलनी चाहिए, हमारा ये कहना है।
ओके, जैसे कि मैं एक पर्सन हूँ, मैं अशर भी हूँ, और आप जानते हैं कि एक दूसरे पर्सन को अशर के बारे में नहीं जानता, तो आपको उन्हें बताना चाहिए जैसे कि एक अशर है उनको साइड में नहीं दिखता, वो एक दायरे के अंदर ही देख सकते हैं, हमें उन्हें जागरूक करवाना चाहिए इस चीजों के लिए, जैसे कि हम किसी को नहीं जानते, हम उन्हें समझ में नहीं आ रहा है जैसे किसी पर्सन को, अभी जैसे कि आपने देखा कि इस पर्सन ने बोला कि अच्छा ये किसी रिलीजियस से रिलेटेड था क्या या किसी पूजा पाठ से रिलेटेड था, तो देखा आज मैंने आपको बताया कि अशर का मतलब क्या है, आप समझ पाए थे अशर है, तो नेक्स्ट टाइम आप किसी जयपर्सन से भी मिलते हो, किसी पर्सन से मिलते हो अशर के बारे में नहीं जानता, तो आप उन्हें एक्सप्लेन करके उन्हें भी मतलब ये चीज बता सकते हो और सिखा सकते हो। मैं अपना बचपन से लेकर आपको बताना चाहूंगा, एक अपना एक्सपीरियंस में बचपन से लेकर अभी तक इतनी बड़ी हुई हूँ, मेरे को पता ही नहीं था जयपर्सन होता क्या, और मेरे को समझ ही नहीं आता था, काफी बार इंटरव्यू को देख के उनके समझ नहीं पाती थी, तो मेरी आंखों में दिक्कत है, मेरे में कुछ परेशानी है, मैं उनकी कुछ कुछ बातें समझ नहीं पाती थी, जब मैं 30 साल के बाद से साइन एबल ने मेरी हेल्प कर गया एज इंटरव्यूटर, तो साइन एबल ने मेरे को बताया कि आज भी जो इनका मतलब रेटिनिटिस जो इनका पिगमेंट होता है उसमें प्रॉब्लम होता है, जो उनके ब्लड मसल होते हैं उनमें भी कुछ डिफरेंस रहता है, जो उनके जेनेटिक्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, तो क्या कि सबकी मतलब अलग अलग रहती है, और मैं साथ में आपको बताना चाहूंगी कि हाँ इसी ने सुना कि अच्छा ये अशर के बारे में, अच्छा एक अशर ऐसा होता है, तो फिर मेरे को पता चला मैंने उसे पता कि अशर, तो मैंने उन्होंने बताया कि अशर का मतलब कौन है, तो मतलब बचपन से ही प्रॉब्लम हो रही है, पता ही लोग मेरे पास आइडिया प्रॉब्लम, मतलब वो बोलते हैं कि अच्छा इन्हें दिखाई नहीं देता क्या, मतलब मैं जैसे बुला रहा हूँ घूमती नहीं मेरी बात मेरे इग्नोर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे बचपन से इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि मतलब अशर भी कुछ होता है, और जब मैंने वहाँ पे ट्रेन दिया, मैं आपको एक ग्रुप के बारे में भी बताऊंगी, जब उन्होंने मेरे को उसमें लिया और मेरे को बताया वहाँ पे इतने सारे मेरे दोस्त भी थे जो अशर थे, तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ प्रीति जी, क्योंकि अगर प्रीति जी मेरे को चांस नहीं देती तो मैं कभी जान ही नहीं पाती अशर का मतलब क्या है, तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ प्रीति जी का कि उन्होंने मेरे को इस चीज का चांस दिया और मैं अशर के बारे में जान सकती। ओके, सो मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि मेरा एक ड्रीम था, मेरा एक एम है, जैसे कि और एक जैसे कि एक मैं अशर हूँ और मैं मतलब नॉर्मल मेरी आई तो मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ और एक अशर का जैसे कि कुछ एम है, तो आप लोगों को उसे मतलब सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ नहीं आप कर सकते हो, आप ड्राइविंग कर सकते हो, यस आप कर सकते हो, आपको उन्हें एनकरेज करना चाहिए, वो जो उनका एम है आप उनको प्रोत्साहित कीजिए कि आप कर सकते हैं, आपने बोला अरे नहीं नहीं तो गाड़ी नहीं चला सकता, नहीं 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 अरे तो मुझे तो किसी का हाथ पकड़ के चलना चाहिए, तो लाइक ऐसे ऐसे सारी चीजें आपको करनी चाहिए। अब काफी सारे अशर लोग होते हैं जो जिनका ड्रीम ये रहता है कि हमारे मतलब हम इंकरेज करें लोगों को काफी ज्यादा कि जिनको भी अशर है, आई हेल्प लोग आप सब लोग मोटिवेट करके इस नाम से एक यूजर आईडी है द टेप अशर्स करके और इंस्टाग्राम आप उनको फॉलो करें, आपको काफी समय काफी ज्यादा अवेयरनेस बनेगी इस रिगार्डिंग इस सिंड्रोम के रिगार्डिंग, आप जान पाएंगे कि लोग कैसे क्या भोजन रहता है उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, तो प्लीज आप इस आईडी को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे आई होप आप सभी को काफी अवेयर अवेयरनेस मिली होगी सेमिनार के बाद। थैंक यू सो मच, मे बी एक एक ये हमारे गेस्ट इंटरप्रेटर है हमारे साथ जिनका साइन इन डी आई करके है, बस गीता सीता जी है हमारे साथ, तो कोई क्वेश्चन है कि जो डेफ अशर रहते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये लोग तो डेफ ब्लाइंड होते हैं, आप मतलब ये बताना चाहते हो कि इन लोगों की अलग दायरा होता है देखने का, एक विजन होता है, मतलब जो डेफ अशर होते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग ना डेफ लोग ऐसे होते हैं अरे इसको तो पब्लिक तैयार करके मतलब ये वर्ड यूज करना है इसको ऐसे डी मोटिवेट करना काफी अच्छी बात नहीं होती है, आप मतलब ऐसे यूज कर सकते हैं कि प्लीज ये साइन लैंग्वेज आप यूज करें, इंडियन साइन लैंग्वेज का इसका साइन अलग है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज का इसका साइन अलग है, या हम मेरा सिर्फ यही कहते हैं कि हम डेफ अशर्स को मतलब डीमोटिवेट ना करें ज्यादा बेटर है, या इसके तो सुन भी नहीं सकते तो बोल भी नहीं सकते, ठीक है हम डेफ है हम लोग ये चीज सुन के तो मतलब खुश नहीं होते ना कि अरे हम बोल नहीं सकते आप सुन नहीं सकते, या तो ये सुन ही नहीं सकते है इनको तो कम भी दिखता है, और ये इस प्रकार के वर्ड्स काफी लोग यूज करते हैं, पर हमें तो दिखता है ना काफी, हमारा विजन अलग है, हमारा देखने का तरीका अलग है, हमें मतलब बहुत सारी चीजें अलग अलग दिखती है, मे बी आप सबको ये चीज क्लियर होगी कि आप आगे से ऐसे वर्ड यूज ना करें, और आई थिंक आप सब डेफिनेशंस को मोटिवेट कर रहे थे, ठीक है अभी हम अपनी जगह पे खड़े होकर साइन करें। मेरा नाम वियो भी है, मेरा साइन नेम ये है,
मेरा साइड एक ये है, मैं बहुत सारी प्रोफेशनल लर्नर्स से मिला हूँ और मेरे कॉलेज में भी डेफ है, बट मुझे ये भी पता था कि उनको अशर भी है, बल्कि साथ चलता बिता रहता था कि अरे वो तो चलते चलते गिर जाते थे, बट ये तो सामने उनके पत्थर आ जाते हैं, कुछ और रहता उनके पैरों में, तो मैं तो उनसे बार बार बोल रहा था कि अरे प्लीज ध्यान से देखिए चलिए। और जब मैंने देखा इंस्टाग्राम पर कि अरे ये डेफ अशर भी कोई चीज होती है, क्योंकि हमें तो इतने सालों से पता ही नहीं था कि डेफ अशर भी कोई चीज होती है या ये दिखता नहीं है। और बहुत सारी मतलब जैसे मेरा फ्रेंड आर्ट, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मेरा फ्रेंड भी आर्टिस्ट है, तो बहुत सारी चीजें होती है कि पोर्ट्रेट में ड्रॉइंग भी करना गलत पड़ जाती है, गलत हो जाती है, तो मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था। और हम लोग एक दिन साथ में डेली घूमते गए थे, फिर मतलब हमें मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि डेफ अशर भी कुछ होता है, कि उन्हें प्रॉपरली दिखता नहीं है, उनका विजन क्लियर होता नहीं, मतलब उनको मतलब सामने भी कोई चीज उनको प्रॉपर दिखती नहीं है। तो मेरा ये कंसर्न था कि हमें सामने वाले को इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए जिनको अशर है, और उनको चेकअप कराने चाहिए, और डेफ को कम्युनिटी से भी काफी ज्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन चलनी पता चलनी चाहिए, तो इस बारे में सबको पता होना चाहिए। प्लीज उन्होंने कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देना उनसे। मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जैसे कि मैं अशर, मेरे को अशर है, मुझे बताने में शर्म आती थी सबको कि अरे मुझे अशर है, ये तुम्हें अशर है, अरे अरे, तो मतलब जब लोग हैरान परेशान जैसा रिएक्शन लेते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि अरे ये लोग ऐसे बोल रहे हैं तुम्हें अशर है, और अच्छा नहीं है, ओ सॉरी आई एम सॉरी, मतलब बहुत पिटी करते हैं, बहुत ऐसा लगता है, मतलब मुझे भी शर्म आती थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, मुझे है तो है, अब उसका कुछ कर नहीं सकते, हम हमारे साइन लैंग्वेज हम कर सकते हैं, 5D 4D 3D में हम साइन कर सकते हैं, डायरेक्शन में साइन कर सकते हैं, तो एक पशु होने के बारे में हम क्यों शर्माते हैं बताने में, बहुत सारे लोगों को बताने में भी शर्माते हैं, मतलब बहुत सारे लोग भी होते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम आने पे सब लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस चीज को लेके, और बहुत सारी मतलब अपने थॉट्स और चीजों को लेके जानकारी शायद उनको मिले आ जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको मतलब जिनको अशर नहीं होता है, जिनके पेरेंट्स जिनको अशर नहीं होता है, और बाद में जाके उनके बच्चों को अशर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे खुद के पेरेंट्स है, उनको भी चश्मा लगा है, उनको अशर नहीं है, उनको ज्यादा पावर का चश्मा है, बट उनको आसपास का दिक्कत है, जैसे अगर हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास की बात करें जिसपे प्लस और माइनस का एक लेंस रहता है, तो ये अलग चीज होती है, और कुछ कुछ लोगों को ऑलराउंड 360 डिग्री जितने मतलब दिखता है, पूरा विजन उनका क्लियर रहता है स्क्वायर में भी, बट ये है कि ठीक है मुझे भी मेरे पेरेंट्स से डीएनए में जीन्स में लो विजन का प्रॉब्लम है, बट मुझे ये नहीं पता था कि अशर भी होता है कोई चीज, बट ठीक है विदाउट मतलब हेरिडिटी में भी नहीं होता है, कभी कभी लोगों को हो जाता है, इट्स ओके। काफी टाइम तक मुझे पहले भी मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम मतलब फेस कर रही थी मैं, और जिन लोगों से मैं मिली उनको भी ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं मतलब क्लियर विजन नहीं है, वो एक सर्कल में देख सकते हैं, एक डायरेक्शन में देख सकते हैं, और मतलब एक मतलब उनके कम्युनिकेशन में भी झगड़ा हो रहा था, कि फिर उन्होंने कंप्लेन किया कि अरे मैं मतलब डेस्कटॉप पे नहीं बैठ सकता या मोबाइल नहीं चला सकता ढंग से, बिकॉज उनको सिर्फ स्क्वायर शेप का पिक्टोरियल बहुत ही क्लियर नहीं विजिबल होता है, तो वो ये मतलब ऐसा मिसकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन क्या भी हो गया था, मतलब मैंने ऐसा देखा था, बट पहले भी फेस किया है ये चीज, मैंने भी बोला कि अरे ऐसा नहीं होता है, अरे दिखता है सबको क्लियर, तो क्या बात कर रहे हो करके, जब मुझे वो चीज पूरे एक्सपीरियंस होने लगी ना, तब जाके मुझे भी बुरा लगता है, अरे शिट मतलब मैंने भी किसी को डिसरिस्पेक्ट किया है और मुझे भी नहीं दिख रहा है, अरे सॉरी क्या हो, बट ठीक है इट्स ओके, मेरी गलती थी मैं मानती हूँ, बट अशर भी कुछ चीज होती है, मतलब उनको अब जाके पता चलने लगी है, और इस बारे में भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस वो मतलब लोगों को मिल रही है। इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे कि मैंने अभी अपने पीपीटी में भी दिखाया कि बहुत अलग अलग टाइप के विजन्स होते हैं अशर में भी, कि किसी को स्क्वायर में हाफ दिखता है, अगर स्क्वायर के हिसाब से बात करें तो किसी को एक सर्कल में दिखता है, किसी को विजन पूरा क्लियर रहता है, किसी को स्पॉट में दिखता है, किसी को डार्क दिखता है, किसी को लाइट दिखता है, तो मतलब ऐसा है कि किसी को हमें ऐसे डोमिनेट नहीं करना चाहिए किसी भी अशर पेशेंट को। आप मुझे पहले बता सकते जैसे कि आपका
यही रहा है कि फर्स्ट जैसे कि पहले मुझे पता नहीं था, राइट, मैं भी ऐसे ही देख रही थी, जनरली जान रही थी चीज को कि मे बी जो डेथ क्वेश्चन है मे बी हो सकता है, विजुअली देख ना पाना कोई ऐसा, मतलब मे बी हो सकता है कि ऐसा विजुअली ना देख पाना, डेथ क्वेश्चन जो पर्सन है उसको वो विजुअली देख नहीं पा रहा है, बस सिर्फ इतना जानती थी। लेकिन मैम ने अभी जब बताया तब मुझे समझ में आया कि डेथ क्वेश्चन का भी मतलब है और इसके भी बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं, राइट। तो जैसे कि पहले मुझे भी नहीं दिख रहा था, जैसे मैं डेफ और शर्म हूँ तो जिस तरह मेरे सामने साइनिंग होते थे तो मैं सिर्फ उन्हें ही दिखती थी, साइड का मुझे ब्लैंड दिखता था बिल्कुल, ठीक है, तो ज्यादा मैं उसको कैच नहीं कर पाती थी। जिस तरह मुझे साइड में ब्लैंड दिख रहा है या फिर कोई साइड में पर्सन ने साइन कर रहा है वो मुझे दिख ही नहीं पा रहे, बहुत लोगों ने बहुत फ्रेंड्स ने मुझे बताया है कि मतलब किस तरह आप मतलब उन्हें कैच नहीं कर पा रहे। जिसको भी रेटिनल में प्रॉब्लम है या मतलब लोगों को बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि अरे मुझे नहीं दिखता है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो रोने लगते हैं, तो दुख लोग ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्लीज आप इस चीज को इतना ओवरथिंक मत करें या इस चीज को एक बीमारी की तरह ना लें, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज है। ठीक है, आपका विजन सबसे हटके है, सबसे अलग है, तो प्लीज आप इन चीजों को ज्यादा मतलब लोड ना लें, क्योंकि ये चीज हो सकता है आपको नेचुरली हो, जेनेटिकली हो, ठीक है, इट्स ओके, फाइन है। अगर आपको एक्सीडेंट है तो आप ज्यादा इतना सोचिए ना, या अगर आप मतलब ये भी सोचते हैं कि अरे आपको अशर है, आप ये सोचते ओवरथिंक करते करते करने के बाद ये भी होता है कि आपको सोच सोच के ही इफेक्ट करने लगती है चीजें, तो प्लीज आप इतना सोचिए भी नहीं। मेरे को इंस्टाग्राम से मतलब पता चला है कि अशर क्या होता है और इसके बारे में इसकी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारा एक बहुत बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और जिसको इस ग्रुप में ऐड होना है तो प्लीज आप उससे कॉन्टैक्ट कीजिएगा या बता दीजिएगा कि आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना। एक लास्ट क्वेश्चन है, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, तीन बेस्ट फ्रेंड है मेरे, जिनको ऑटो में ट्रैवल करने में, वॉक करने में, कैब में प्रॉब्लम होती है, और ताकि वो ड्राइव भी नहीं कर पाते हैं कि जिनको असर है, बट जब वो प्रैक्टिस करते हैं और नाउ ही ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया, मतलब ये है कि अगर आप एक बार चाह रहे मतलब बुक कर लेते हैं, एक बार आप चाह कर लेते हैं कि आपको करना ही है, भले आपको कुछ भी हो, मतलब आपको आशय है, आपका विजन क्लियर नहीं होता, तो इसमें ड्राइविंग में तो काफी दिक्कत होती है, बट स्टिल ही कैन डू इट, मैंने काफी उसको मोटिवेट भी किया है, मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को भी मतलब आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट आपके जितने भी दोस्त है, जिसके मैंने पीपीटी में भी देखा कि आप लोगों को अपने डेफिनेट जो रेट्स को मोटिवेट करना चाहिए, तो ये भी चीज तो मैंने कह रही थी, ठीक है, मैंने स्कूटी और कार चलाना भी सीखी थी, ठीक है, बट अशर मुझे है तो मैं डर जाती थी, बट आफ्टरनून का मतलब जैसे दिन में मैं गाड़ी चला सकती हूँ, बट रात में मैं गाड़ी चलाने में बहुत डरती हूँ, बट अभी मैं ट्राई कर रही हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, आगे बढ़ाती हूँ, नहीं नहीं मैं कर सकती हूँ, भले मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बट मैं कर सकती हूँ, तो मैं ये सीख रही हूँ और सिखा भी रही हूँ, समझ रही हूँ, मे बी आप लोग मुझे भी देख के सीखे और आप लोग खुद भी अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस गेन करें, तो मेरा साइन ये है। मीटिंग्स भी हम लोग करते हैं अशर के रिगार्डिंग, कि हमें इस बारे में नॉलेज रहता है काफी ज्यादा कि हमें अशर से रिलेटेड चीजें क्या क्या करनी पड़ती है, क्या नहीं करनी पड़ती है, और RPWD एक्ट में, राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट में भी हमें बहुत सारी नॉलेज रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इस डिसेबिलिटी लिस्ट में हमारे अशर को मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, मैं मानती हूँ, बट डेथ टाइम के अंदर तक अगर हम देखा जाए तो ये डेथ अशर का सिंड्रोम भी एक तरीके का AFB वाले ऑप्शन में रहता है मेंशन, बट हम ट्राई करते हैं कि इसको और लोगों को अवेयर करें इस चीज से, और लोगों तक और ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचा पाए, नहीं दे पाऊंगी, बट ये ना करें कि आप उनको छोड़ दें, या ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है जो आपको भी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो जस्ट बी काम डाउन एंड प्लीज बी ओके विद इट। अच्छा, इनके हस्बैंड जो है इस्लाम जी, उनको मतलब काफी अच्छी दिखते हैं, उनका साइन बहुत अच्छा है, टीचर
लाइक वो डेफ टीचर है आईसीआरटीसी में, तो इस्लाम सर जो है वो मतलब काफी अच्छा साइन करता है, उनका विजन अच्छा है, बट लोगों ने तो ये नहीं कहा कि अगर इनको अशर है तो प्लीज इनसे शादी मत करो, और मतलब अरे इसको तो बीमारी है ये नहीं वो नहीं, मतलब बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है, बट ऐसा तो नहीं करते ना कि अरे लोग सर पीटने लगते हैं कि अगर इससे शादी कर ली इसको तो दिखता नहीं है ये वो, बट ऐसे मत कीजिए, लोगों का डिसीजन होता है कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, तो प्लीज डोंट टेक इट एज अ डिजीज, या इसको कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी है मत आती, प्लीज डोंट डू दिस। आप तब तो मैं दिख रही हूँ अच्छे से, ट्राई टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एंड मेक योर सेल्फ एट दैट सेफ जोन,